सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एज बायोलॉजी। ओके, सो दोस्तों आप देख रहे थे क्लास 12 साइंस का हमारे चैप्टर नंबर 4 चालू था, आईएमपी सीरीज चालू है हमारी। ओके, जैसे कि आपको बताएं, सो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 4 का जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है जो चैप्टर, इसके आईएमपी क्वेश्चन चालू है और विद में उसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, चलो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा मेरे कि मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन लिए थे और दो क्वेश्चन में 10 मार्क के आपके पक्के रहेंगे ऐसा मैंने कहा था। ओके, तो वो दो क्वेश्चन भी इस स्लाइड में दिखाऊंगा मैं, और लास्ट के 3 क्वेश्चन मतलब इस लेक्चर में मैं आपको 15 मार्क्स के जो आपका मतलब पोर्शन है, जो 15 मार्क्स की जो आईएमपी क्वेश्चन है उसे मैं आपको मतलब प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, तो पहली बात तो मैं आपको पहले दो क्वेश्चन होने तक मैं आपसे कुछ भी बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और बाद में जो थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसमें थोड़ा सा मैं आपको बातचीत करूँगा। ओके, चलो दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डिटेल इन ओके स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन पैकेजिंग। ओके, डीएनए पैकेजिंग का जो स्ट्रक्चर और जो उसके थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे उसका मतलब थ्योरी यहाँ पे और नेक्स्ट स्लाइड में उसका स्ट्रक्चर। ओके, तो आप थ्योरी अच्छे से देख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकालो या फिर मैं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डालने ही वाला हूं वैसे। ओके, तो देख लो, तो ये है इसका स्ट्रक्चर, देख सकते हो पूरी तरह से मैंने स्ट्रक्चर अच्छे से आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ओके, सेकंड दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, आपको 2015-17 में आया था, देख सकते हो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन इन डिटेल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है। ओके, तो उसको पूछा था 2015 और 17 में ये क्वेश्चन आ चुका था। ओके, 3 मार्क्स के लिए, तो देखो कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो उतना आया था। ओके, चलो दोस्तों आगे देखते हैं। ओके, तो ये इसके 2-3 पॉइंट थे। ओके, तो ओके, सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये है 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। ओके, देखो दोस्तों, मैंने आपको 3 क्वेश्चन प्रोवाइड किया इस चैप्टर में, आई मीन इस पार्ट में। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन था 3 क्वेश्चन था वो 7 मार्क्स का था, सेकंड 3 मार्क्स का था और बाद में ये 4 मार्क्स का है। ओके, मतलब 14 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन थे। ओके, 14 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे हमारे बायोलॉजी के इस चैप्टर में। ओके, तो दोस्तों अगर आप इस सभी चैप्टर करके जाओगे तो उसमें से आपके मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आएंगे, मतलब कुछ भी आ सकते हैं, वैसे आपके एमसीक्यू भी आ सकते हैं, थ्योरी भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर शॉर्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, तो अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाना। ओके, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से नहीं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको भी करके जाना, ये भी थोड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है पर फिर भी अच्छे से करके जाना। ओके, तो इसका मतलब बड़ा है थोड़ा सा। ओके, 4 मार्क्स ने आई मीन यहाँ पे इसको 5 मार्क्स के लिए रखना चाहिए था, मैंने गलती से 4 मार्क्स लिखे है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों 5 मार्क्स के लिए। ओके, ध्यान में रखना। ओके, थोड़ा रॉन्ग कर देना, तो इसको अच्छे से मतलब लिख लेना आप भी, तो ये इसका थोड़ा सा मतलब पार्टी जो रहेगा तो वो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में और सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट किसी वीडियो में, चैप्टर में। ओके, तो बाय।